हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपका भाई दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। जिस तरह के पिछली वीडियो में हमने कहा था कि हम मिल्लत ट्रैक्टर्स लिमिटेड का टेक्निकल एनालिसिस आपके सामने लेकर आएंगे, और आज चूंकि हमारे पास है 10 मार्च 2024 और हम आपके साथ एज पर आवर प्रॉमिस मिल्लत ट्रैक्टर्स का टेक्निकल एनालिसिस लेके आ चुके हैं। लेकिन 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 वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको यह बताता चलूं कि आपको वो मुफ्त में मैं सारी इंफॉर्मेशन सारे एनालिसिस मुफ्त में देता हूं जो कि लोग आपसे कोर्सेज के चार्ज करते हैं, और मैं खुद भी मैंने पेड कोर्सेज से ही मोस्टली अपने जो है पैसे जाया किए, ठीक है। और बाद में पता लगा कि ऑल ऑफ दीज इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब फॉर फ्री। तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आप लोग भी अपने पैसे जाया ना करें मुफ्त के कोर्सेज में। तो टेक्निकल एनालिसिस जिस तरह मैं करता हूं, एटलीस्ट उतना आप टेक्निकल एनालिसिस सीख लें तो आप एक अच्छी इंट्रेंसिंग वैल्यू पे अच्छे स्टॉक को पकड़ना सीख जाएंगे, ठीक है। एक चीज ये होगी। दूसरी चीज ये है कि जिस तरह के आप लोग जानते हैं हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो आप लोग जरूर जरूर चैनल को प्यार दिखाएं। और आपको पता है कि मैंने एक आपसे वादा किया हुआ है, जब ही जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर से ऊपर टच होंगे, 1000 सब्सक्राइबर से ऊपर मतलब 10-20 ऊपर या फिर 50-60, तो एक वीडियो आएगी जिसमें मैं अपना सबसे प्यारा दुलारा स्टॉक आपको बताऊंगा, जो कि एक डिविडेंड स्टॉक है, ठीक है, और रेगुलर डिविडेंड देता है, और अराउंड उसकी डिविडेंड यील्ड 15% तक होगी बिफोर टैक्सेशन, ठीक है। और सबसे मेन चीज ये है कि रेगुलर डिविडेंड देता है, ठीक है। क्योंकि जो मोस्टली जो दूसरे है कि आप समझते हो कि दूसरे बड़े स्टॉक्स हो गए जो 40-40-50% डिविडेंड देते हैं, लेकिन वो रेगुलर डिविडेंड नहीं देते। तो वो अगर आप कंपेयर करो तो उन सालों में उसकी परसेंटेज उतनी ही बन जाती है जितनी इन स्टॉक्स की बनती है। तो अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम लोगों के पास इस तरह का कोई स्टॉक हो जो कि एक ब्लू चिप स्टॉक है मेरे हिसाब से, और मजे की चीज है कि उसके कैपिटल गेन भी उसमें आपको हो सकता है और डिविडेंड की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज होती रहेगी इन द पैसिव विद द पैसेज ऑफ टाइम अप टू सम एक्सटेंड, ठीक है। तो अगर तुम लोग चाहते हो तो आप लोगों को पता है क्या करना है आपने, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं मिल्लत ट्रैक्टर्स का लिमिटेड। अब मिल्लत ट्रैक्टर्स लिमिटेड का टेक्निकल एनालिसिस, तो सबसे पहले तो हमें पता है कि भाई हमने पिवट पॉइंट्स मार्क करने हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस के जोन मार्क करने हैं। तो एक ये हमारे पास सपोर्ट का जोन काम कर रहा है जिससे बार बार टकरा के मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है, ये एक चीज हो गई हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास एक सपोर्ट जोन है, और उसके मद्दे मुकाबले हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस जोन भी बनता है जिसे मार्केट टकरा के वापस आई थी 2022 में, और उससे पहले मार्केट ने इसी रेजिस्टेंस को एक दफा टच भी किया था, हमें दिख रहा है। और अगर अब गौर से देखें तो हमारी मार्केट अभी भी इसी रेजिस्टेंस को टच करके वापस आई है, ठीक है, ये एक चीज होगी देखने वाली। अब इसका लॉन्गर, अब आपने सपोज आपने मेजर आपने पिवट पॉइंट्स मार्क कर लिए कि ये मुझे दिख रहा है पिवट पॉइंट, ठीक है, और हमारे पास एक पिवट पॉइंट ये है, फिर एक पिवट पॉइंट हमारे पास ये है, तो ये हमारे पास कुछ पिवट पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं, ठीक है, एक ये है, ये हमने मेजर पॉइंट्स मार्क कर लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं अपने मंथली में कि ये इन अ लॉन्गर रन ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है मिल्लत ट्रैक्टर्स। तो हमने देखा भाईजान ये एक लॉन्गर रन में एक ट्रेंड लाइन बनाते बनाते ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन बनाते बनाते ऊपर जा रहा है, ये भी हमने देख लिया, ठीक है, मतलब ओवरऑल एक ये चैनल की फॉर्मेशन हमें दिखा रहा है, हायर हाइज हायर लोज, ठीक है, ये एक हमने जोन मार्क कर लिया, ठीक है, चैनल फॉर्मेशंस। अब हमें थोड़ा सा ना, अभी हमने एनालिसिस कर लिया, अब हम इसको थोड़ा सा सिंपलिसिटी में लेके जाते हैं, हम ये जो लाइंस है ना ये रिमूव कर देते हैं ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। हमें पता है कि भाई मंथली में ये लॉन्गर रन में मतलब ये अप ट्रेंड में ही है, अब डेली पे शिफ्ट हो जाते हैं, डेली पे शिफ्ट होते हैं तो देखते हैं कि ये अब क्या कैसी परफॉर्मेंस कर रहा है। अच्छा, डेली में अगर हम शिफ्ट होते हैं देखने को मिलता है कि ये जो इस पॉइंट से रेजिस्टेंस खा के जो कितने परसेंट नीचे गिरा था, ये तकरीबन हमारे पास 69-70% नीचे गिर गया था स्टॉक, अभी दोबारा उस रेजिस्टेंस लेवल के पास आया हुआ है, ठीक है। तो अब दोबारा इसके चांस हो सकते हैं कि नीचे दोबारा गिरे, ठीक है, तो ये भी हमने देखना है। अब लेकिन हमने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी उसके हिसाब से उसकी सपोर्ट की तरह बनती है, हम ये देख लेते हैं। अब जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी
उसकी तकरीबन तकरीबन सपोर्ट भी हम मार्क कर लेते हैं कि वो क्या बनती है। ठीक है, अच्छा डेली में हमने देख लिया कि तकरीबन इसकी ये सपोर्ट लाइन बनती है, तो मतलब यहां तक तकरीबन गिर सकता है मैक्सिमम, अगर तो हम इस ट्रेंड लाइन को गौर से देखें तो, मतलब कि हमारे पास तकरीबन तकरीबन ये रेंज आ सकती है जहां तक ये हमें गिरने को मिल सकता है। ठीक है, अब हम ये रिमूव कर देते हैं, अब ये नीचे वाले पॉइंट भी मैं रिमूव कर देता हूँ जो अभी फिलहाल इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जिनकी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें, अगर हम ये सपोर्ट लाइन देखें और ये ट्रेंड लाइन की भी सपोर्ट देखें जो हमने अभी बनाई थी, तो हमारे पास ये एक रीजन बनता है कि जिसमें एक ये गिर सकता है ये स्टॉक। ठीक है, ये एक चीज होगी हमारे पास। अब हम देखें वीकली में, सॉरी, अच्छा अब हम यहाँ पे अपना रिट्रेसमेंट टूल लगा लेते हैं। यहाँ पे अगर हम अपना रिट्रेसमेंट टूल लगाएं तो हमारे पास वहां पे भी सपोर्ट जोन क्या बन रही है, यही बन रही है सपोर्ट जोन। ठीक है, तो मतलब तीन जगह से हमें कंफर्मेशन रही है कि एक सपोर्ट जोन अच्छी है, एक हमारे पास रिट्रेसमेंट टूल से मिल रही है, एक हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन से मिल रही है और एक हमारी किससे मिल रही है, ट्रेंड लाइन से। तो तीन जगह से हमें मिल रही है, ये एक मेजर सपोर्ट का काम ये एरिया कर सकता है, ये एक चीज होगी। अब हमने देखना है कि भाई ये जो गिर रहा है ये स्टॉक और ये इधर से रेजिस्टेंस क्यों ले रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको यहां पे जोन मार्क करें तो रिट्रेसमेंट टूल हमारे पास ये बताता है कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है इनफिसिस के लिए। ठीक है, ये एक जोन मार्क कर लेते हैं, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, ये एक चीज होगी। अब अगर हम देखें तो अगर तो हमने हमने ये फिफ्थ रिट्रेसमेंट टूल यहां तक, सपोज यहां तक मार्केट है, हमें इसके बाद पता नहीं क्या हुआ है, अगर हमने यहां तक रिट्रेसमेंट टूल लगाया होता और ये मार्केट ऊपर जा रही होती तो हम कितना टारगेट ले सकते थे, ये मैं तुम लोगों को सिखा रहा हूँ साथ साथ। देखो ना, अगर तुम्हारे पास सपोज यहां तक तुम मार्केट का तुम्हें पता है कि भाई यहाँ यहाँ से तो हल्का सा मार्केट ने पुश लेना स्टार्ट किया है। ठीक है, तुम लोग देख लेते यहाँ से रिट्रेसमेंट टूल लगाते हैं यहाँ तक, ठीक है, और इसको थोड़ा एक्सटेंड करते तुम लोगों के पास ये डब्बा आ जाता। ठीक है, इस डब्बे को एक्सटेंड करके मार्क कर लेते हो, रेंजेस तो मार्क कर लेते 2612 से लेकर 640 तक तकरीबन हमारे पास एक ऐसी रेंज है जिसमें सेलिंग आ सकती है। ठीक है, हमारे पास रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो तुम लोग एक लॉन्ग का टारगेट रख लेते हैं, तकरीबन तकरीबन बाइंग डाल के लॉन्ग का कितना टारगेट रख लेते, यहां से यहां तक का टारगेट इजी तुम्हारे पास 20% का गेन मिल जाता। ठीक है, और अब देखो वहीं से उसी जोन से वो रिजेक्ट हो रही है मार्केट। ठीक है, अब ये एक चीज मैं तुम लोगों को पिछली वीडियो में बताई थी कि जो विंडोज क्रिएट होती हैं उसका क्या फायदा होता है। अब देखो विंडोज मैं तुम लोगों को दोबारा बता रहा हूँ, विंडोज बहुत इंपॉर्टेंट है और विंडोज फेल करने दोबारा मार्केट जरूर आती है, जिसको आप गैप अप गैप्स भी कहते हो। ठीक है, ये गैप बना हमारे पास, फिर ये गैप बना हमारे पास, तो जब ये गैप बना ठीक है तो मार्केट ऊपर गई, एक और गैप बनाया मार्केट ऊपर गई, अब ये जो नीचे गैप दो बनाया इसको फिल करना है मार्केट ने, अब मार्केट दोबारा नीचे इस गैप को फिल किया, फिर दोबारा मार्केट नीचे इस गैप को फिल किया और फिर दोबारा मार्केट नीचे चली गई। ठीक है, तो ये सिर्फ तुम लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ ये गैप्स क्या होते हैं। ठीक है, अब यहां पे हम गौर से देखें तो हमारे पास ये भी एक गैप बन रहा है। ठीक है, ये लेकिन मार्केट ने इस गैप को अभी तक फिल नहीं किया, मार्केट ने उसी गैप पे एक और गैप डाउन ओपनिंग की, तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट का ये सेंटिमेंट हो सकता है कि मार्केट इसको दोबारा रीटेस्ट करे जाकर और ये गैप फिल करे। ठीक है, तो अगर तो ये गैप फिल करती है, अभी हमने मार्केट में कुछ भी नहीं करना, अभी हमने मार्केट में सिर्फ मिलर ट्रैक्टर्स को देखना है कि ये हमारे पास सही पॉइंट्स में मिल रहा है कि नहीं। मार्केट में हमने बाइंग या सेलिंग तब करनी है जब मिलर ट्रैक्टर्स हमें 508 से लेकर 517 की रेंज में दोबारा मिले। ठीक है, एक तब हम बाइंग कर सकते हैं, या तो हम बाइंग कर सकते हैं कि हमारे पास इस पॉइंट से ऊपर चला जाए, मतलब 666 वाली रेंज से ऊपर चला जाए। अब 666 वाली रेंज से ऊपर जाएगा तो हमने टारगेट क्या सेट करना है, हमारे पास पहला इनिशियल टारगेट क्या हो सकता है, हमारे पास पहला इनिशियल टारगेट होता है 689 का, फिर दूसरा हमारे पास टारगेट हो सकता है 713 का, तीसरा हमारे पास टारगेट हो सकता है 730 का, और चौथा टारगेट हो सकता है 760 का। ठीक है, ये जोन याद कर लो। ठीक है, और बेशक ये स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। ठीक है, अब मार्केट में तुम लोग को बता दिए ये गैप गैप फिल करने दोबारा भी आ सकती है मार्केट यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब कि अगर ये गैप फिल करना होगा तो ये जाहिर सी बात है अपर डायरेक्शन में जाएगी ना, तो फिर यहाँ से एक और रेजिस्टेंस इसको मिलेगी, तो इसका मतलब ये रीटेस्ट करने के मोड में लग रही है फिलहाल मार्केट, लेकिन हमें कुछ पता नहीं। हमें मार्केट, हमने यही सपोज हमेशा करना है कि हमें मार्केट का कुछ भी नहीं पता, मार्केट कुछ भी किसी भी टाइम कर सकती है। ठीक है, तो
तो आप सपोज यहां से टकरा के नीचे जाती है ना, तो हमने इन जोन्स के करीब इसको बाइंग रेंज में रखना है, ठीक है। और अगर उससे नीचे जाती है तो फिर ये जोन्स में हम एवरेज करेंगे, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को सिखा रहा हूं कि मार्केट, अभी जो जो भी लोग कहते हैं कि भाई मार्केट ये है मार्केट वो है, आप मार्केट इस तरह आप टेक्निक आजमा लो तो मार्केट आपको हमेशा प्रॉफिट देगी, तो इस तरह कुछ भी नहीं होता, ठीक है। मार्केट कभी भी आपको एक सर्टन टेक्निक पे प्रॉफिट हमेशा नहीं देती, ठीक है, ये एक चीज याद करके रख लो, ठीक है। अब हमें एक शॉर्टर पीरियड में ट्रेंड लाइन दिख रही है, ठीक है, ये अब इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया और अब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, अब ये हमें शॉर्टर पीरियड में दिख रहा है, ठीक है। अब इसका जो स्विंग यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हायर हाई जब इसने बनाया था, तो ये हायर हाई क्या बनाया था इसने, अब मैं एक मिनट ये जोन्स मैं रिमूव कर रहा हूँ, आप लोग इस जोन्स को मार्क कर लेना, ठीक है, ये जोन्स ऊपर वाले मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि जरा चार्ट थोड़ा साफ सुथरा हो, ठीक है। अब मैं आप लोगों को यहाँ हॉरिजॉन्टल रे बना देता हूँ और मैं दिखा देता हूँ कि मार्केट ने इस पॉइंट में ब्रेक किया, ठीक है, और यहाँ पे इसका स्विंग हाई जो बन रहा था ना, वो एक ये स्विंग हाई बन रहा था, ठीक है, यहाँ पे हमने एक हाई देखा था, ठीक है। मार्केट का जो मार्केट जाती है हायर हाईज बना के जाती है ना, ऊपर जाती है हायर हाईज बना के जाती है, नीचे जाती है लोअर लोज बना के जाती है। जब इसने ये स्विंग हाई को ब्रेक किया ना, तो अब हमने देखना है कि ये ओरिजिनल ब्रेक है कि नहीं, ये देखा ना इस कैंडल से इसने ये इस जोन को ब्रेक किया, इस वाले जोन को, ठीक है, और वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे लगे। अब हमने देखना है कि ये ओरिजिनल ब्रेक है कि नहीं, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि अगर ये ऊपर रीटेस्ट करके दोबारा नीचे गिरती है तो मतलब ओरिजिनल ब्रेक नहीं था हमारे पास, और इस जोन से दोबारा नीचे चली जाती है। लेकिन अगर ये इस जोन से ऊपर जाती है और इस 666 लेके लेवल को टच करती है, तो हम कह सकते हैं वो ओरिजिनल ब्रेक था, और अब दोबारा उससे ऊपर जाती है 666 से, तो हम एंट्री ले सकते हैं। लेकिन 666 से ऊपर जाना इसके लिए लाजमी है, फिर हम एंट्री ले सकते हैं और ऊपर वाले टारगेट्स को जो मैंने पहले बताया था वो हम देख सकते हैं। इन केस के ये नीचे नहीं आती, क्योंकि हमने हमने जो देखा है ना, हमने एक लॉन्गर पीरियड में ये भी देखा है कि ये एक हमारे पास चैनल फॉर्मेशन कर रही है ना मार्केट, कि ये एक चैनल बनाते बनाते जा रही है ऊपर। यहाँ पे अगर हम ट्रेंड लाइन दोबारा मैं ड्रॉ करने की ट्राई करूँ तो ये इस तरह की कोई ट्रेंड लाइन बनती है, ठीक है। तो ये भी देखें, अगर आप लॉन्गर रेंज में ये हायर हाइज बना के ही जा रही है ना मार्केट, तो अब उसका एक लो भी तो बनना चाहिए, ठीक है। अब लो यहां पे इसने बनाया, ठीक है, अब दोबारा लो बनाएगी कि नहीं ये हमें नहीं पता, ठीक है। अब दोबारा एक लो बना के दोबारा हाई पे जाएगी या फिर यहीं से ऊपर चली जाएगी, ये हम नहीं बता सकते, ठीक है, ये एक चीज होगी। और वॉल्यूम्स भी अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स भी हमारे पास ठीक ठाक लग रहे हैं, इसका मतलब ये, अब ये देखें जब हाई मार्केट एक हाई बनाने जाती है तो वॉल्यूम्स देखें कितने ज्यादा लगते हैं, ठीक है। इस तरह लो जाती है तो वॉल्यूम्स इतने कोई खास नहीं लगते हैं, और फिर दोबारा हाई बनाने की तरफ जाती है तो वॉल्यूम्स कितने तगड़े लगते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इंडिकेशन होता है कि ये हाई जा रही है मार्केट, ठीक है। अब हमने देखना ये है कि ये इसको रीटेस्ट दोबारा करती है, ठीक है, मतलब इसको इस पर आके दोबारा ऊपर जाती है या डायरेक्ट ऊपर जाती है। अगर तो इसने डायरेक्ट ऊपर जाना है, जो कि एक छोटा टाइम फ्रेम में मैंने आप लोगों को बता दिया है, तो इस रेंजेस को क्रॉस करना पड़ेगा ना, इसको 666 को, फिर इसको रीटेस्ट करना पड़ेगा, एक गैप फिल करना पड़ेगा और फिर ऊपर जाना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो इनकेस 666 को ये टच करती है मार्केट, तो हम कहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मैंने वो टारगेट आपको पिछली अभी थोड़ी देर पहले मार्क कर दिए थे, हम वो टारगेट रख सकते हैं और इसके हाई का भी टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास जोन है, और इनकेस कि हम यहाँ पे बाइंग कर लेते हैं, यहाँ पे बाइंग, आपने गलती से यहाँ पे बाइंग कर ली, यहाँ पे बाइंग कर ली और मार्केट नीचे चलेगी, तो आप यू ऑलवेज हैव ऑप्शन टू एवरेज आउट, क्योंकि दिस इज हाउ थिंग्स वर्क, और इस तरह आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की रेशियो ज्यादा हो जाती है ना जब आप एवरेज कर लेते हो, ठीक है। तो एक तो ये वाला मैंने आपको जोन बता दिया, ये इंतहाई सपोर्ट वाला जोन है, यहाँ से मार्केट बहुत ही रेयर चांस है कि यहाँ से मार्केट गिरे, ठीक है। तो ये एक चीज याद रख लो, ठीक है। और जिन लोगों ने 300-400 पे उठाया ये माल, तो उनके तो मजे हैं अभी भी, ठीक है, उनके उनके पास तो अभी भी मेरे ख्याल से तकरीबन 80% का बम्प है अभी भी, तो वो अपनी थोड़ी बहुत पार्शल प्रॉफिट टेकिंग भी कर सकते हैं, और ऊपर जितना भी पड़े हैं वो ऊपर पड़े रहने उस पर वो लेते रहे, प्रॉफिट पे प्रॉफिट कमाते रहे, ठीक है।
ये एक चीज हो गई। अब थोड़ा सा इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देख लेते हैं। अब ये सपोर्ट रेंजेस और ये प्राइस एक्शन वाली चीजें हम इग्नोर करते हैं। अब थोड़ा सा इसको ना इंडिकेटर्स पे जाते हैं और ईएमएल लगाते हैं। ईएमएल से भी थोड़ा, अभी मैंने इस पे एनालिसिस नहीं किया हुआ, मैं लाइव एनालिसिस कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि ईएमए पे हमें क्या अभी दिख रहा है। अभी मैंने डेली चार्ट खोला है और ईएमए पे पिछले एक प्लॉट कर लेता हूँ, 200 दिनों का कर लेता हूँ एक प्लॉट। ठीक है, ये ऑरेंज टाइप का मेरा 200 दिनों का शो कराएगा। ठीक है, और एक ईएमए मैं प्लॉट कर लेता हूँ 20 दिनों का। ठीक है, और उसका कलर मैं कर लेता हूँ ग्रीनिश। ठीक है, ये दो ईएमए मैंने प्लॉट कर लिया। अब मैं गौर से देखता हूँ कि ईएमए मुझे क्या शो करवा रहे हैं। अच्छा, जो 200 दिनों का ईएमए है ना, वो एक तुम लोग समझो कि मैग्नेट की तरह काम करता है। ठीक है, क्योंकि 200 दिनों का ईएमए, 200 दिनों की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ये मतलब है कि 200 दिन में वो कितना स्टॉक ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, उसकी एक एवरेज लाइन हमारे पास आ जाती है। और 20 दिनों की, जाहिर सी बात है, जितना ज्यादा टाइम फ्रेम होगा उतनी ज्यादा प्रिसाइज होगी। 20 दिनों की इतनी प्रिसाइज नहीं है, नहीं होती हमारे पास। ठीक है, अगर यहां पे देखो ना, यहां पे देखो, जब तुम्हारे पास 20 दिनों की ईएमए ऊपर है ना, जब तुम्हारे पास 20 दिनों की ईएमए ऊपर है और 200 दिनों की ईएमए नीचे है, इसका मतलब कि ये इसकी, ये ऑरेंज लाइन 200 दिनों वाली, ये इसकी असल औकात है। ठीक है, इसने इस पे वापस आना ही आना है। ठीक है, तो जब ऊपर चली जाती है ना ईएमए, तो वो नीचे दोबारा आती है। ठीक है, उसको क्रॉस करती है। ठीक है, जब क्रॉस करती है तो फिर नीचे जाती है। अब जब भी तुम लोगों ने देख लिया ना कि ये 200 ईएमए से ऊपर है, ये 20 वाली है, ये 20 वाली जो ईएमए है ये 200 से ऊपर है ना, तो इसका मतलब ये अपनी औकात से बहुत ऊपर गया हुआ स्टॉक। ठीक है, इसने नीचे आना ही आना उसको रीटेस्ट करने। अब जब नीचे आ जाता ना, ठीक है, इसको रीटेस्ट करके, इसको ब्रेक करके, तो अब तुम लोगों ने देख ला कि ये तो नीचे है अब, लेकिन इसकी औकात तो काफी ऊपर है थोड़ी। ठीक है, तो तुम लोगों ने, यू विल ऑलवेज लुक फॉर बाइंग। ठीक है, यहाँ पे तुम लोगों ने बाइंग डाली होती, ठीक है, तो अभी भी तुम लोग पता कितने गेन में बैठे होते। ये अभी भी तुम लोग तकरीबन तकरीबन 41% के गेन को टच करके अभी 32% के गेन में बैठे होते। ठीक है, अगर तुम लोग यहाँ पे डिसीजन किया होता, ठीक है, लेकिन अगर तुम लोगों ने यहाँ पे डिसीजन किया होता, ठीक है, जब ये क्रॉस ओवर हो रहा होता, क्योंकि लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, तो ये तुम लोगों को कोई 10-20% का ही गेन देता। ठीक है, तो ये एक चीज है देखने वाली। ठीक है, अब यहाँ पे भी तुमने देख लो, ये अपनी औकात से काफी ऊपर था, तो अब ये औकात पे आ गया दोबारा। ठीक है, मतलब कि ये ईएमए से अगर ऊपर हुआ, अब ईएमए से 200 की ऊपर हुआ, तो इसका मतलब वो 200 की ईएमए मैग्नेट का काम करती है, वो उसकी तरफ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह नीचे हुआ तो मैग्नेट का काम करती है, उसकी तरफ जाएगा। तो ये हमें देखना है कि ईएमए, ये भी मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि ईएमए किस तरह काम करती है। ठीक है, अगर तुम लोग इस तरह के मतलब मजीद चीजें देखना चाह रहे हो, तो तुम लोग सब्सक्राइब करो। आरएसआई के बारे में भी हमने अभी कुछ नहीं देखा, ये हमने मैग्डी के बारे में कुछ नहीं देखा कि वो उनको कैसे करता है, फिर डाइवर्जेंस क्या होती है, और प्राइस ऊपर जा रही होती है, आरएसआई नीचे आ रहा होता है, डाइवर्जेंस क्या होती है। ये आरएसआई होता है एक्चुअली, मैं तुम लोगों को दिखा दूँ, ये आरएसआई होता है। ठीक है, ये चार्ट कैसे देखते हैं, इसके दरम्यान डाइवर्जेंस देखो ना, अब यहाँ पे मुझे दिख रही है, ये देखो, और यहाँ पे देखो, तो इसके दरम्यान डाइवर्जेंस हो रही हो, तो इसका क्या मतलब होता है, ये मैं अभी तुम लोगों को नहीं बताऊंगा, ये मैं तुम लोगों को तब बताऊंगा, ये सारी बातें तब बताऊंगा जो तुम लोग सपोर्ट करोगे। ठीक है, ये इस तरह मैं तुम लोगों को नहीं बता रहा। ठीक है, पहले तुम लोगों को बता रहा हूँ ये मैं, तो ये सारी चीजें अभी मैं काफी चीजें तुम लोगों को फ्री में बता रहा हूँ। ठीक है, ये 1000 सब्सक्राइबर्स है पहले भी, लेकिन ये डाइवर्जेंस वगैरह वाले कॉन्सेप्ट ये मैं तुम लोगों को इंशाल्लाह तब बताऊंगा जो तुम लोग भरपूर साथ दोगे और जो है सपोर्ट करोगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ ना कुछ भी सीखने को मिला है, तो भाई को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, और नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाजत दीजिए दो। कमेंट्स में अपनी स्क्रिप्ट जरूर लिखा करो, ये तुम लोगों के कमेंट्स से ही मैं उठा रहा हूँ स्क्रिप्ट। और मैंने बताया था कि पिछले उसमें मिलर ट्रैक्टर्स अगर मैं तुम लोगों को दिखा ही दूँ यहाँ पे कमेंट तुम लोगों के, तो तुम लोगों ने देखो ना, काफी ज्यादा भाई यहाँ पे कह रहे होते हैं एमटीएल एमटीएल। ठीक है, फिर कल एक कमेंट आया कि इंटरलूप और गुल अहमद का भी बता दें, फिर लॉटे केमिकल का मैंने पहले कल अपलोड किया। ठीक है, तो इस तरह तुम लोग कमेंट्स करोगे तो मुझे दिमाग में आएगा कि भाई हाँ यार, ये जो है ना स्क्रिप्ट के बारे में एनालिसिस करना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाजत दीजिए, अपना कमेंट्स तुम लोग लिख दो, कमेंट्स कर दो, तो उस पर हम वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।